वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे को ना आप लोगों से दो जरूरी बातें करनी है। पहली तो ये कि मैंने किसी व्लॉग में तो बोला था कि मैं 9 जनवरी को ना कहीं बाइक राइड पे जा रहा हूँ, और वो 9 जनवरी अभी काफ़ी नज़दीक आ गई है, तो उसके लिए कुछ सामान परचेज करना है, क्योंकि यहाँ इस जो अपनी यह राइड है इस पे बाइक राइड के साथ साथ ना मैं कुछ ट्रैकिंग करनी है, और उस ट्रैकिंग के लिए कुछ सामान परचेज करना है, क्योंकि ट्रैकिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये एक बात तो होगी अपनी। ये दूसरी बात ये, पिछले कुछ टाइम से ना तो मैं कहीं रनिंग पे गया, ना मैंने कोई व्लॉग किया। पता नहीं क्या हो रहा था, मैं थोड़ा लो फील कर रहा था, तो मैंने कोई व्लॉगिंग भी नहीं की, कोई रनिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, बिल्कुल फ्री बैठा था। सिर्फ अपना जॉब पे गए, घर आ गए, जॉब पे गए, घर आ गए, बस यही काम किया है। और इस दौरान मैंने कुछ किसी के एक व्लॉग देखा, नहीं कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है। फिर मैंने कुछ लोगों के कुछ व्लॉग्स देखे, इसमें भी थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत है। फिर मैंने एक ही आदमी के बहुत सारे व्लॉग देखे। आप इमेजिन करो कि मैंने ये कितने व्लॉग देखे होंगे, 10, 20 या 50 व्लॉग नहीं, पूरे 250 व्लॉग के आसपास मैंने उसके देखे हैं, और उनसे मैंने कुछ सीखा और उनके कुछ नोट्स बनाए हैं जो हमें आगे अपने आने वाले टाइम में अपने व्लॉगिंग में उनको यूज करना है। अभी मसला ये भी होगा कि हमने किन के व्लॉग देखे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि हमने किन के व्लॉग देखे हैं, क्योंकि बहुत से लोग उनको जानते हैं, बहुत से लोग उनको नहीं भी जानते। कुछ लोग तो गैस कर लेंगे आने वाले जो कुछ वीडियोज होंगे उनको देखने के बाद गैस कर लेंगे कि हमने किन के व्लॉग देखे हैं। अभी मेन मसला क्या है कि हमने उन व्लॉग से क्या सीखा। पहला तो ये है कि जो आप ये मेरा रूम देख रहे हो गंदा सा, आप इस रूम से थोड़े फैमिलियर हो जाओ, आने वाली बहुत सी वीडियो अभी इसी रूम के अंदर बनने वाली है। दूसरा ये है कि बहुत से लोगों के ना मन में ये होगा कि किस टाइप की वीडियो जाएंगी। आने वाले कुल व्लॉग देखने के बाद आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस टाइप की वीडियो हमारे चैनल पर आगे आने वाली है। तीसरी बात ये कि अब हम ना अपने चैनल पर रेगुलर व्लॉग करेंगे। डेली व्लॉग करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि रेगुलर व्लॉग किए जाए। एक मान लो 3 दिन में व्लॉग कर दिया या 5 दिन में, जैसा भी देखते हैं, रेगुलर व्लॉग अपने चैनल पे हम करते रहेंगे। और चौथी और लास्ट बात यह है कि अब ना मैं आप लोगों को बोर करने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ बोर होने के लिए। आने वाले कुछ वीडियोज़ में आप लोगों को मैं बिल्कुल पका के रख दूँगा। ये थी हमारी जो मेरे को कुछ ज़रूरी बातें करनी है। और एक बात और, अब हम ना एक अच्छी हैबिट डाल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में बुक्स पढ़ने की, तो मैं कुछ बुक्स पढ़ने वाला हूँ। अगर आप लोगों को कुछ बुक्स पता है हिंदी स्पेशली, क्योंकि मेरे को इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंग्लिश बाद में देखेंगे, पहले कुछ हिंदी बुक मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को पता है कोई अच्छी बुक हिंदी की तो आप कमेंट में करके मेरे को बता देना, ताकि मैं मार्केट से परचेज करके उसको पढ़ सकूँ। एक अच्छी आदत तो डालनी पड़ेगी ज़िंदगी में, है ना। तो बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और अभी चलते हैं अपने जो सामान परचेज करना है, क्योंकि एक सामान मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ है, वो प्रशांत भाई के घर पे आया हुआ है, उसको उठा लेते हैं, फिर चलते हैं लिबर्टी में, क्योंकि लिबर्टी में से लेके आने हैं ट्रैकिंग शूज़, तो फिर वहाँ शूज़ लेके बाकी अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो चलो चलते हैं जल्दी से टूर के लिए। एक सामान तो अपना आ गया है अमेजोन से, और दूसरा सामान लेने के लिए मैं आया हूँ लिबर्टी के जो शोरूम है, जो फैक्ट्री स्टोर है उस पर। तो चलो चलते हैं अंदर, इसको उतार लेते हैं, वो अंदर रख देंगे। दूसरा सामान अपना रहे यहाँ पे। कितने नंबर है जी? हैं? 8 नंबर होगा। ये कुछ ऐसे आए हैं। तो अभी टाइम है एक अनबॉक्सिंग करने की, जल्दी से अनबॉक्सिंग कर देते हैं इसकी, क्योंकि फिर पैकिंग वगैरह चल रही है अपनी, और अपा निकल रहे हैं एक टूर पे। बैग को देख के आप समझ जाओगे कि हम किस टाइप की टूरिंग कर रहे हैं। ये आ गया अपना ट्रैकिंग बैग, जो अभी हमने अमेजोन से परचेज किया है। काफी कमरे हैं इसके अंदर, जो ठीक है भाई। अब जो मुश्किल टास्क है वो इसका रेन कवर ढूंढना, वो कहाँ पे है। इसमें देखो अलग से लैपटॉप डालने की जगह दे रखी है, बहुत खूब। बाकी तो इसका जो रिव्यू है, जो इसका रिव्यू वो तो मिलेगा एक बार ट्रैकिंग के बाद कि कैसा रहेगा।
स्टोर पे। फाइनली अपना जो रेन कवर है वो निकल आया, काफी मेहनत के बाद, काफी मशक्कत के बाद अपना जो रेन कवर वो निकल गया और ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब एक टास्क हो जाएगा बैग को सैडल बैग के अंदर फिट करना। चलो जल्दी ऐसे करते हैं काम। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो भाई नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जो जिंदगी में पाना है उसके लिए हार्ड वर्क करते रहो। जय हिंद, जय भारत।